कंडेल, वर्ष 1920, सावन भादों का महीना। खेतों में पानी था, हरियाली थी और किसानों के चेहरों में खुशी। भला अंग्रेजी सरकार किसानों को खुश कैसे देख पाती। फिर इतिहास में दर्ज हो गया कंडेल नहर सत्याग्रह। वहां के लोग आज भी कंडेल नहर सत्याग्रह की कहानी कहते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये वो जगह है जहाँ से नहर सत्याग्रह आंदोलन की कहानी शुरू होती है। तो ये यहाँ का नहर के इस पानी को अधिकारी लोग, अंग्रेज के अधिकारी लोग खोल दिए और पूरा बहा दिए उधर कंडेल के खेत, आसपास के खेत में। एक ओर वर्षा का पानी, दूसरी ओर नहर का पानी कंडेल लबालब होकर बहने लगा था। इससे नहर अधिकारी ने कंडेल के किसानों पर नहर पानी चोरी करने का आरोप लगाया था तथा किसानों पर 4,300 रुपयों का भारी जुर्माना लगा। तो नहीं दोगे तो हम कुर्की करेंगे, जो भी कर लो आप। और उस विरोध के कारण उनको काफी कष्ट झेलने पड़े, संघर्ष करना पड़ा। यहाँ तक कि उनकी मवेशियों को कुड़ करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाजार बाजार घुमाया। हमारे गांव में थे बाड़ी बछरी नहीं रखे, इसे सब लगे गए से रोइन गाय पाछू पाछू गिन घालो फिर नहीं छोड़ी लेके पूरा। 13 अप्रैल 1919 को घटे जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूरे देश भर के लोग आक्रोशित थे। इस घटना से अंग्रेजों के खिलाफ देश भर में माहौल बना और लोगों में आजादी हासिल करने की जिद पैदा कर दी। और तब गांधी आए एक नया रास्ता लेकर।